हेलो माय फ्रेंड, नमस्ते और प्यार भरा सलाम। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ये टैंक का ड्राइंग कैसे देखेंगे। इसे आप वेसल भी बोल सकते हैं, टैंक भी बोल सकते हैं। इसका हम ड्राइंग कैसे देखेंगे, इसका व्यू कैसे देखेंगे, ये किस डिज़ाइन में बनेगा, यहाँ पर जो नोजल वगैरह जो लगाया गया है वो किस तरीका से रहता है, इसमें नोजल का डिग्री हम कैसे देखेंगे, इसका व्यू कैसे देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसका मैं आपको 3D डिज़ाइन के जरिए मैं आपको बताने वाला हूँ। देख सकते हैं ये, इसका हम व्यू कैसे देखेंगे ड्राइंग में, वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जिस चीज़ के ऊपर ये वेसल को जो रखा गया है, यहाँ पर एक आई बीम जैसा यहाँ पर सपोर्ट आपको दिख रहा है, उसमें एक स्टिपनर लगाया गया है, दोनों तरफ आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो है किस तरीका से यहाँ पर जो है एक प्लेट लगेगा, उसमें फिर स्टिपनर लगेगा, तो उसका डिज़ाइन किस तरीका से दे रहा है, बीच वाले यहाँ पर जो सपोर्ट है उसका किस तरीका से डिज़ाइन दे रहा है, यहाँ पर जो नोजल है, यहाँ पर जो ब्रांच है, कहाँ कहाँ पे इसमें नोजल दे रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है नोजल 7, नोजल 9, नोजल नोजल 8, नोजल 2 है, यहाँ पर शायद नोजल 3 होगा। उसके बाद ऊपर में भी ये सब नोजल जो है निकल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर ये सब नोजल का जो है नंबर लिखता है इसी तरीका से, नोजल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जब इसका हम साइड व्यू देखेंगे इस तरीका से साइड व्यू, तो यहाँ पर देखिए ये उसका साइड व्यू है, तो कौन सा नोजल कितना डिग्री में आ रहा है उसका नंबर भी यहाँ पर लिखा गया है, नोजल 9, नोजल 7, यहाँ पर नोजल 9 है, यहाँ भी नोजल 7 है, तो देख सकते हैं सभी का यहाँ पर जो है डिग्री लिखा गया है। देख सकते हैं कौन सा कितने डिग्री में रहेगा, मेन सेंटर लाइन टॉप में जो मेन सेंटर लाइन है वहाँ से इस तरफ जो है ये वाला जो नोजल है वो 35 डिग्री रहेगा, और फिर इस नोजल से यहाँ नीचे की तरफ ये 14 डिग्री में रहेगा, लेकिन नोजल जो है बिल्कुल सीधा लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए 3D डिज़ाइन में जब हम इसको इस तरफ से देखते हैं, तो यहाँ पर जो नोजल निकला है उसका नंबर दिया गया है, ऊपर में जो सीधा नोजल निकला है उसका नंबर दिया गया था, डिज़ाइन में देख सकते हैं इस तरीका से। ये जो हमें सामने से दिख रहा है लेकिन लग रहा है कि एक ही जगह दोनों है, लेकिन नंबर देखेंगे नोजल 7, नोजल 9, नोजल 8 वो कहाँ पर है, तो हमें इसको देखने के लिए हमें साइड व्यू देखना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए नोजल 7 यहाँ पर है, नोजल 8 यहाँ पर है, ये कितना डिग्री में है, डिग्री देखने के लिए हमें साइड व्यू देखना पड़ता है। देख सकते हैं यहाँ पर नोजल 8 जो है वो यहाँ से इतने डिग्री में रहेगा, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ हॉरिजॉन्टल सेंटर से यहाँ पर इस पहला जो नोजल है ये वाला नोजल 9 वो 9 डिग्री में रहेगा, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद अगर आप नीचे से देखेंगे, ये नीचे के सेंटर लाइन से ऊपर की तरफ, तो 60 डिग्री लिखा गया है, यहाँ से ऊपर की तरफ 60 डिग्री में ये जो नोजल रहेगा नोजल 8 लिखा गया है। जो इस तरफ में एक और नोजल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ ऊपर के सेंटर लाइन से इस तरफ में 40 डिग्री पर एक यहाँ पर नोजल निकल रहा है। तो देखिए यहाँ पर 3D डिज़ाइन में अगर हम इसको इस तरफ से देखेंगे, तो ये जो नोजल ऊपर में है देख सकते हैं, तो इसको इस तरफ से हम देखेंगे तो यहाँ ऊपर के सेंटर से 40 डिग्री पर ये दे रहा है, तो इस तरीके से ये लगेगा। इसका कट बैक वगैरह अगर आपको निकालना हो तो आप क्या करेंगे कि डायरेक्ट इसका जो है कितना OD है, यानी कि कितना इसका सर्कमफ्रेंस है या फिर सेंटर से रेडियस कितना है, उतना हम एक लेआउट मार्किंग कर देंगे और बीच में एक सेंटर लाइन मार्किंग कर देंगे, जहाँ जहाँ पर नोजल आ रहा है वहाँ वहाँ उतना डिग्री में हम सेंटर लाइन मार्किंग करके और नोजल का लेआउट मार्किंग कर देंगे जहाँ जहाँ नोजल आ रहा है। तो क्या होगा कि आपका कटबैक भी निकल जाएगा कि कितना हमारा कटबैक हमारा रखना है, नोजल को कितना कटिंग करना है, वो कटबैक भी आप निकाल सकते हैं। तो उसके ऊपर मैं एक और डिटेल वीडियो बना दूंगा कि इसका हम कटबैक कैसे निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो डिग्री में कैसे हम इसको काट करके यहाँ पर लगाएंगे अगर काटना हो तो। लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि यहाँ पर होल करके सीधा अंदर भी घुसा सकते हैं, अगर अंदर नहीं घुसाना है तो वैसा भी कंपनी नहीं मानता है, तो यहाँ पर आपको ID to OD मैच करना पड़ता है, तो आपको जो है डिग्री में कटिंग करना पड़ सकता है, जैसा यहाँ पर रेडियस आ रहा है वैसा आपको कटिंग करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर तो ये डिग्री में है तो ये दोनों तरफ बराबर आएगा, लेकिन ये जो है ऊपर का नोज बड़ा रहेगा नीचे का नोज छोटा रहेगा, तो वैसा जो है लेआउट मार्किंग करके आप इसका बिल्कुल आसानी से कटबैक निकाल सकते हैं, तो उसका मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो नीचे में देख सकते हैं किस तरीका से जो है बीम जो है यहाँ पर लगाया गया है, देख सकते हैं बीम है, उसके बाद स्टिपनर किस तरीका से लगेगा देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं डिजाइन में मैं यहाँ पर दिखा कर रखा हूँ। ये साइड से अगर हम देखते हैं यहाँ पर नीचे में एक बेस प्लेट दिख रहा है, उसके बाद एक और प्लेट यहाँ पर जो दिख रहा है, उसके बाद अंदर में एक और प्लेट रहेगा, उसमें दो स्टिपनर रहेगा,
इसके बाद ऊपर में एक रिंग लग रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर प्लेट का एक रिंग रहेगा जो कि आप 3D डिजाइन में देख सकते हैं लगाया गया है। देखिए यहाँ पर इस तरीका से नीचे का बेस प्लेट हो गया और एक ये वाला प्लेट हो गया और एक अंदर का प्लेट हो गया। अंदर में जो स्टिपनर जो दिख रहा था वो जो है इस तरफ है, अंदर में रहेगा यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर देखिए इस तरीके से रिंग रहेगा, देख सकते हैं यहाँ पर दो दो रिंग यहाँ पर लगाया गया है। तो स्टिपनर इधर है या फिर इधर है वो कैसे पता चला, यहाँ पर देख सकते हैं जब इसका हम साइड व्यू देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इधर से प्लेट बिल्कुल लेवल है और इस साइड से ये जो है स्टिपनर एक डिग्री में गया है और बाकी जो दो स्टिपनर है वो बिल्कुल सीधा रहेगा। उसका यहाँ पर जो टॉप व्यू यहाँ पर दिया गया है देख सकते हैं, यहाँ पर सी व्यू अगर हम इसको ऊपर से देखते हैं, यहाँ से ऊपर से अगर हम देखते हैं देख सकते हैं यहाँ पर सी व्यू दिया है, सेक्शन सी यहाँ पर सी लिखा गया है। हम इसको इस सपोर्ट को ऊपर से देखने के लिए यहाँ पर सी व्यू लिखा गया है। तो देख सकते हैं एक स्टिपनर यहाँ पर है और एक दो अंदर है, यानी कि दो बाहर हो गया और दो अंदर हो गया। ये बाहर वाला इस तरीके से डिग्री वाला रहेगा और अंदर वाला बिल्कुल सीधा रहेगा, सेम ऐसे ही इधर भी रहेगा, लेकिन जो बीच वाला है वो अलग डिजाइन का रहेगा। इसका अगर हम साइड व्यू देखेंगे तो उसी को यहाँ पर देखने के लिए कि यहाँ पर एक डिजाइन बनाया गया है, बीच वाला जो रहेगा वो बिल्कुल सीधा रहेगा और उसमें दोनों तरफ स्टिपनर रहेगा, इसमें सिर्फ अंदर साइड रहेगा, बाहर देखिए एक लेवल में है देख सकते हैं। और बोल्टिंग जो है यहाँ पर देखिए अंदर में दिया गया है और यहाँ पर बोल्टिंग दोनों साइड है, यहाँ पर भी बोल्टिंग अंदर साइड में है, बाहर साइड में नहीं रहेगा। तो इस तरीके से आपको डिजाइन देखना है, एक एक चीज़ जो है पॉइंट जो है देखना पड़ता है। और यहाँ पर देखिए रिंग जो है यहाँ पर एक दो तीन चार रिंग यहाँ पर लगाना है, यहाँ पर एक प्लेट रहेगा सीधा, वो प्लेट मैं नहीं लगाया हूँ, डायरेक्ट ही रिंग लगा दिया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक प्लेट रहेगा छोटा सा, उसमें रिंग जो आ करके जुड़ेगा, एक छोटा सा प्लेट रहेगा। और इस तरीके से जो है नीचे में जो प्लेट स्टिपनर वगैरह दे रहा है इस तरीके से रहेगा और नीचे वाले में भी इस तरीके से स्टिपनर रहेगा। देखिए यहाँ पर जो ये लगाया गया है बीम में स्टिपनर चार ठो, उसका डिजाइन यहाँ पर दिया गया है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर जो बीम आपको दिख रहा है देखिए यहाँ पर स्टिपनर इस तरीके से लगाया गया है। तो इसका जो है साइड व्यू यहाँ पर दिया गया होगा लेकिन वो कट गया है कि वहाँ पर कितना स्टिपनर रहेगा, तो मैं ऐसे ही यहाँ पर जो है चार ठो स्टिपनर मजबूती के लिए यहाँ पर हमने लगा दिया कि इसी तरीके से वहाँ पर जो है स्टिपनर रहेगा, क्योंकि चार ऊपर है तो नीचे भी चार स्टिपनर होना ही चाहिए। और एक प्लेट जो है यहाँ पर इस तरीके से जुड़ेगा इस बीम में, देख सकते हैं ड्राइंग में ये आई बीम हो गया और आई बीम के साथ यहाँ पर एक प्लेट जो है और यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको ज्वाइंट करना है, उसके बाद ये जो है डिग्री वाला स्टिपनर जो है इस तरीके से लगाना है। और यहाँ पर भी है देख सकते हैं ये आई बीम हो गया और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा प्लेट जुड़ेगा और उसमें स्टिपनर इस तरीके से लगेगा, देख सकते हैं यहाँ पर ये आई बीम हो गया नीचे का और ये साइड में दो ठो प्लेट लगाया और यहाँ पर स्टिपनर इस तरीके से रहेगा, देख सकते हैं किस तरीके से ये लगाया गया है। और यहाँ पर देखिए एक नीचे में ब्रांच जो है डाउन हो रहा है, नोजल पाइप शायद लिखा गया है, और एक ऊपर में नोजल निकल रहा है जिसमें एक वेंट टाइप का बनाया गया है एल्बो लगा करके 180 डिग्री का। साइड से अगर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से रहेगा 180 डिग्री का, यहाँ पर इस तरीके से एक वेंट लाइन रहेगा। और इसी के सामने जितना भी ये ऊपर में ब्रांच निकला है, ऊपर में जो है नोजल निकला है वो एसी के सामने आ रहा है, इसीलिए बाकी नोजल जो है यहाँ का नहीं दिख रहा है। यहाँ पर देखिए एक के बाद यहाँ पर और बहुत सारा नोजल है वो यहाँ पर लगेगा, यहाँ पे भी है और बाकी नोजल डिग्री में जो है वो भी बना दिए हैं और ऊपर में जो है वो भी हम बना दिए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजाइन में ऊपर से आप देखेंगे तो आपको ये दिखेगा, देख सकते हैं इस तरीका से रहेगा, साइड से इस तरीका से दिख रहा था हमें, देख सकते हैं। और फ्रंट से देखेंगे तो ये इस तरीका से दिख रहा था, यहाँ पे एक नोजल रहेगा, यहाँ नीचे में एक और नोजल रहेगा वो छूट गया है, देख सकते हैं यहाँ पर एक और शायद नोजल रहेगा, यहाँ पर नोजल थ्री लिखा गया है, ऐसा ही सेम यहाँ पर एक नोजल रहेगा, देख सकते हैं। तो ऐसा ही डिजाइन में आपको जो है फैब्रिकेशन करना होता है, ऐसा ही आपको ड्राइंग देखना है। तो फ्रेंड मैं आपको एक इसका कैलकुलेशन भी करके दिखा दे रहा हूँ कि इस नोजल का हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसका कोड लेंथ कैसे निकालेंगे कि कितनी दूरी पर हमें लेआउट मार्किंग करके नोजल का हम सेंटर लाइन मार्किंग कैसे करेंगे, इसका मैं एक कैलकुलेशन आपको बता दे रहा हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि इसका कटबैक कैसे निकालेंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ इसका हम डिग्री का मार्किंग कैसे करेंगे, कोड लेंथ कैसे निकालेंगे, इसका अगर मान लीजिए टैंक के ऊपर मार्किंग करना हो तो MM में कैसे मार्किंग करेंगे ये मैं आपको कैलकुलेशन करके बता दे रहा हूँ।
तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल मान लीजिए कि ये आपका टैंक का जो है ओडी हो गया इस तरीका से, जो हम इसको इस तरीका से ये जो गोलाई है इसका आईडी डायमेंशन 2 मीटर 100 दिया गया है, तो हम इसको ओडी डायमेंशन मानते हैं। एग्जांपल मान लीजिए कि इसका ओडी जो डायमेंशन है आउटसाइड टू आउटसाइड डायमेंशन 2 मीटर 100 है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं यहाँ पर ओडी डायमेंशन 2 मीटर 100। एग्जांपल इसका मान लीजिए कि ओडी डायमेंशन दिया गया है और हमें इसको इस सेंटर लाइन से ऊपर की तरफ 60 डिग्री में एक हमें ब्रांच का यहाँ पर सेंटर लाइन मार्किंग करना है 60 डिग्री पर। तो ये जो पीला वाला जो लाइन है इसका कोड लेंथ हम कैसे मार्किंग करेंगे। एग्जांपल मान लीजिए कि आपको क्या करना है, ऐसे आपको जब आप लेआउट मार्किंग करेंगे तो एक मेन सेंटर लाइन इस तरीके से सीधा मार्किंग करना है और एक हॉरिजॉन्टल सीधा लाइन ऐसे मार्किंग करना है, उसके बाद ओडी पूरा सर्कमफेरेंस जो है गोलाई आपको मार्किंग कर लेना है लेआउट, उसके बाद नोजल का हम मार्किंग करेंगे कि ये कितने दूरी पर ये आ रहा है, तो उसका कोड लेंथ हम निकालेंगे कैसे, यही मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो इसको आपको क्या करना है कि इस तरीके से कैलकुलेटर में जाना है और यहाँ पर टाइप करना है साइन, और जो यहाँ पर जो डिग्री दिया गया है 60 डिग्री उसको 2 से डिवाइड कर देना है और उसे लेना है 30 डिग्री। यहाँ पर लेंगे हम 30 डिग्री और ब्रैकेट लगाएंगे और इनटू करेंगे और यहाँ पर जो ओडी डायमेंशन है वो यहाँ पर डाल देंगे 2 मीटर 100। यहाँ पर देखिए ये जो आंसर आया है ये कोड लेंथ डायमेंशन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 मीटर 50 mm डायमेंशन रहेगा, उसी पर यहाँ पर एक मार्किंग करके और यहाँ से एक सेंटर लाइन खींच देंगे यहाँ सेंटर से, तो ये आपका ब्रांच का सेंटर लाइन हो जाएगा। सेम वैसे ही जैसे यहाँ पर 35 डिग्री दिया गया है तो आपको साइन लेना है और यहाँ पर 35 को 2 से डिवाइड करना है, तो आपको 35 डिवाइड 2 और इसमें ब्रैकेट लगा देना है और इनटू और इसमें आपको फुल ओडी डायमेंशन डाल देना है 2 मीटर 100। यहाँ पर देखिए आंसर आ गया 631 mm, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये डायमेंशन रहेगा कोड लेंथ। अगर आप इसको एमएम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बार बार आप गोलाई में चेक करना चाहते हैं या फिर मार्किंग करना चाहते हैं कि वो 60 डिग्री पर कैसे हम मार्किंग करेंगे या फिर कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि इसके जो ओडी है इस तरीका से आपको ओडी लेना है 2 मीटर 100 और इसको गुना करना है 3.142 से। तो इस तरीका से जब आप गुना करेंगे तो इसका आंसर निकलेगा 6598.2, यानी कि ये सर्कमफेरेंस डाया है, गोलाई डायमेंशन आपको निकाल लेना है, CF इसको बोलते हैं, और CF इनटू डिग्री करना है। CF इनटू डिग्री जैसे कि यहाँ से हमें 60 डिग्री पर मार्किंग करना है गोलाई डायमेंशन, यानी कि आर्क लेंथ इसे कहते हैं, आर्क लेंथ अगर आपको निकालना हो आपको लेना है यहाँ पर 60 डिग्री, CF इनटू डिग्री करना है यानी कि 60 डिग्री लेना है और इसके बाद यहाँ पर डिवाइड कर देना है 360 से। तो यहाँ पर देखिए आंसर निकल गया 1.99 mm, यानी कि 1.100 mm यहाँ से आपको राउंड डायमेंशन यहाँ पर आपको मार्किंग करना है बाहर बाहर, यानी कि आर्क लेंथ इसका हो गया 1.100 mm। अगर यहाँ पर 35 डिग्री का निकालना है तो इसी तरीका से आपको लेना है, पहले आपको लेना है इसका सर्कमफेरेंस डाया 2.100 × 3.142, ये सर्कमफेरेंस डाया निकल गया, इंटू 35 डिग्री ये आंसर हो गया और डिवाइड करना है 360 से। तो यहाँ पर देखिए ये आंसर निकल गया 641 mm, यानी कि 641 mm है। तो यहाँ से राउंड डायमेंशन बाहर बाहर मार्किंग होगा 641 mm, इस तरीके से आर्क लेंथ आपको निकालना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूंगा कि इसका हम जैसे मान लीजिए कि जो डिग्री में है और यहाँ पर तो हमने डिग्री का तो मार्किंग कर दिया, लेकिन हमें यहाँ पर मान लीजिए कि इस तरीका से नोजल लगाना है, यहाँ पर मान लीजिए कि हमें इस तरीका से नोजल लगाना है, तो यहाँ का जो है कटबैक हम कैसे निकालेंगे देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक नोजल आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये जो रेडियस जहाँ पर ये कटेगा जैसे कि यहाँ पर, उसका यहाँ पर एक तरफ ज़्यादा रहेगा एक तरफ कम रहेगा, इस नोजल का कटबैक हम कैसे निकालेंगे, तो इसके ऊपर मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। वैसे मैं आपको ये जो लेआउट है अपने वेबसाइट पर डाल दूंगा fittertraining.com पर, वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि इसका लेआउट का मार्किंग कैसे करेंगे, इसका कटबैक कैसे निकालेंगे, इसका मार्किंग करके मैं अपने वेबसाइट पर डाल दूंगा, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर इसका कटबैक का कैसे आपको लेआउट मार्किंग करना है। बिल्कुल आसानी से उसका जो है कटबैक यहाँ का निकल जाएगा कि इसका जो रेडियस जो कटबैक है वो कैसे निकलेगा लेआउट के जरिए। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और लाइक करिए और हमारे वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर करिए और हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस तरीका का नीचे लाल बटन होगा उसे आप दबा लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे।